हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो, नई वीडियो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आज आपके लिए खास वीडियो लेकर आई हूँ। वो यह है कि फेशियल किट है, VLCC का मैं एक फेशियल किट लेकर आई हूँ आज आपके लिए, जो कि फेशियल टेक्निक्स है। ठीक है, तो फेशियल मसाज टेक्निक आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फेशियल मसाज हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और ये हमारे फेस के लिए बहुत ही ग्लो करता है, शाइन करता है और हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने में एक बार हमें फेशियल ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, तो हमारे फेस को जैसे कि डलनेस स्किन हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, टैनिंग हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, डेड स्किन हो जाते हैं, इन सभी को रिमूव करते हैं। हमें धूप में निकलना होता है, हमारे स्किन पे पॉल्यूशन चिपक जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ही रिमूव करता है। तो हमारे फेस के लिए फेशियल बहुत ही अच्छा होता है और हमें महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। तो फेशियल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए आप क्लिनजिंग मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने फेस को चाहो तो टोनर से भी टोन कर सकते हो। तो आप इस तरह से अपने फेस को क्लीन कर मसाज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो होते हैं जो कि क्लिनजिंग मिल्क क्रीम से हम फेस को क्लीन कर लेते हैं। सेकंड स्टेप आते हैं जिसमें हम स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब हमें बिल्कुल हल्के हाथों से करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनके फेस पे स्क्रब किया जा रहा है। तो स्क्रब हमें हल्के हाथों से सर्कल बनाना होता है। तो सर्कल बनाते हुए हमें पूरे फेस की मसाज करनी होती है। तो मसाज को इस तरह से करेंगे हल्के हाथों से और उसके बाद हाथ को थोड़ा गीला भी करते रहना है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना फ्रेंड्स, तो सूखते रहते हैं ना, तो हाथ को थोड़ा गीला करना चाहिए। या तो आप गुलाब जल से भी कर सकते हो और चाहो तो वाटर भी ले सकते हो। तो हाथ को गीला करते हुए इस तरह से आपके हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहना है पूरे फेस पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप। तो तीसरे स्टेप में आते हैं जेल मसाज। तो पहले आप इसे अच्छे से स्क्रब करने के बाद क्लीन कर लोगे, उसके बाद जेल मसाज आते हैं। तो जेल मसाज से भी करना होता है मसाज, वो भी थोड़े थोड़े से ही मसाज करना होता है। तो मेन स्टेप आते हैं जो कि मसाज का स्टेप होता है। मसाज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने होते हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है। तो बेनिफिशियल तो इसके बहुत सारे हैं हमारे फेस के लिए। तो मैं मसाज तो फेस के लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे ये जेल मसाज के लिए। ठीक है, यहाँ पे जेल मसाज कर रहे हैं हमारे फेस पे। हमारे फेस के लिए जेल मसाज करना भी ज़रूरी है। हमारे कॉम्प्लेक्शन अगर डल है तो कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, ग्लो करता है। ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे फेस के लिए फ्रेंड्स। तो आपको महीने में एक बार तो फेशियल कराना ही चाहिए। वैसे फेशियल हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे बेनिफिशियल है हमारे फेस के लिए, बहुत सारे। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे हमारे स्किन ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं। तो हमें फेशियल ज़रूर कराना चाहिए। तो आप यहाँ पे सारे स्टेप बताए जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप इसे देख के फॉलो कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कस्टमर पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको फेशियल मसाज यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप स्टेप देख रहे हो कि यहाँ पे ना तो स्किप की गई है, ना ही फर्स्ट मोड में डाला गया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको स्टेप इसमें समझाए जा रहे हैं। कुछ स्टेप मिस हो गए हैं बट यहाँ पे आपको बाकी के सभी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से बताए जा रहे हैं। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे यह मसाज क्रीम अप्लाई किया जा चुका है इनके फेस पे और अब यहाँ से स्टार्ट होता है मसाज करना। ठीक है, तो यहाँ से अब इनके गले से लेकर पूरे फोरहेड तक मसाज करना होता है। गले से पूरे फोरहेड तक हमें मसाज करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से रिपीट करना है। हर स्टेप को थोड़ा रिपीट, दो दो बार कम से कम रिपीट करना ही है। उसके बाद सारे फेस को मसाज करते हुए कम से कम 20 मिनट का तो मसाज करना ही पड़ता है फेस पे, तभी ग्लो आता है। हमारा फेशियल जो है वैसे 25 मिनट का तो होता ही है बट सारे टाइमिंग मिलाकर एक घंटा तो 1 आवर लग ही जाते हैं। एक घंटे में हमारे फेशियल मसाज कंप्लीट हो जाते हैं। फेशियल टेक्निक जो है वह 1 घंटे का होता है। प्रॉपर तरीके से करोगे तो 1 घंटे का टाइमिंग उसमें लग ही जाती है। तो सारे मसाज अच्छे से, सारे स्टेप अच्छे से करने होते हैं, स्टेप को फॉलो करना होता है। सारे स्टेप कोई अगर स्टेप मिस हो गई या स्टेप भी बिल्कुल सही तरीके से करना होता है, प्रॉपर तरीके से करने होते हैं, कोई भी स्टेप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सारे स्टेप को बैलेंस बनाते हुए करना होता है। जितने आप इधर कर रहे हो उतने आप उधर भी करोगे, नोज़ के पास, चाहे फोरहेड के पास हो, आई के पास हो, कहीं पर भी हो, अपर लिप हो, लोअर लिप हो, या फिर नेक के पास करना हो, तो सभी जगह पे प्रॉपर तरीके से बैलेंस बनाते हुए आपको सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको
मसाज करना है, ठीक है, कस्टमर को रिलैक्स करना होता है, जैसे आपके फेस पे रिंग, जैसे कि स्मैली लाइन बनते हैं, आई के पास रिंकल्स बनते हैं, पफी आईज होते हैं, जो कि अच्छी नींद अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको पफी आईज हो जाते हैं, तो स्माइल ज़्यादा जो करते हैं उनके स्माइल के पास, लिप के पास स्मैली लाइन बन जाते हैं, उसे भी मसाज के द्वारा रिमूव करते हैं, आई के पास लाइन बन जाते हैं, फोरहेड पे लाइन बन जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को मसाज के द्वारा ही रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पफी आईज को इस तरह से मसाज किया जा रहा है, आपको ये स्टेप समझाया जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। जिनके पफी आईज होते हैं उन पे यह मसाज बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। यह स्टेप आप ज़रूर करना, जिनके भी पफी आईज हैं उन पे यह स्टेप करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपके पफी आईज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पहले जैसे हो गए हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से करोगे, टैप टैप भी करना होता है, पिंच भी करना होता है, और फिर आपको इस तरह से रिलैक्स भी कराना होता है कस्टमर को। तो यहाँ पे सारे स्टेप आपको बताए जा चुके हैं, तो आप इन स्टेप को फॉलो करो और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या है ना फ्रेंड्स, आजकल मैं बहुत बिजी रहती हूँ, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हो गई हूँ, अब मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ ज़्यादा, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। तो फ्रेंड्स इतने बिज़ी होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, तो कम से कम आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो कर ही सकते हो, एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक शेयर तो कर ही सकते हो। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर देना, एक लाइक कर देना, ठीक है। तो आज के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय।